सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सेफ मनी बड़ी लोन के बारे में। यह रियल है या फिर फेक है, इसका लोन प्रोसेस कैसा है और कैसे लेना चाहिए लोन, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करना है। हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, टाइटल कुछ इस तरीके का है, थंबनेल कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको रेटिंग की बात करें, 4.4 इसकी रेटिंग मिली हुई है, ठीक है। इसके बाद आप लोग जैसा कि देख सकते हो, इसको ओपन करके देखेंगे। जैसे कि मैंने ओपन किया है, ओपन करने के बाद फ्रेंड आपके सामने यहाँ पे आ जाता है कुछ इस तरीके इंटरफेस। इसके बाद एक यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 80,000 तक का लोन प्रोवाइड कराते हैं ये एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद क्या करना, आपको लेना है लोन तो आपको व्यू माई क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। व्यू माई क्रेडिट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लोडिंग गया। इसके बाद अपना नंबर डालना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद इस नंबर पे यहाँ पे आपको एक पासवर्ड को सेट करना होगा, ठीक है। और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और मैं चलिए अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं अपना पासवर्ड सेट किया, इसके बाद लॉगिन करता हूँ। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड बोलना कि आपको रॉन्ग पासवर्ड है, तो आप पासवर्ड अच्छे से पासवर्ड को सेट करना होगा, ठीक है। मैं अपना पासवर्ड बनाने को कर लेता हूँ। इसके बाद लॉगिन करता हूँ और लॉगिन फिर से किया, बोल रहा है यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी बना लिया था, तो फॉरगेट करता हूँ, ठीक है। फॉरगेट पर क्लिक किया और फॉरगेट क्लिक करने के बाद एक इस पर कोड जाता है, OTP आता है, तो OTP आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, OTP मेरा आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड होता है वो आपको पासवर्ड यहाँ पे अपने हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आप लोग जैसे कि देख सकते हो वहाँ पे, फिर से आपको इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसको अलाउ करेंगे, ठीक है, अलाउ करेंगे, अलाउ, ठीक है, अलाउ। इस तरीके से आपको अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद सेफ मनी का कुछ इस तरीके का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रोसेस होता है, ध्यान से देखना होगा वीडियो को। और यहाँ पे एक्यूरेट लोन प्रोवाइड कराती है या ना कराती है, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे लाइव प्रूफ के साथ। ये बोल रहा देख सकते हो, सबसे पहले आपका सेल्फी फोटो बोल रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो सेल्फी फोटो। मैं इसका सेल्फी फोटो बाद में दूंगा, पहले इसको देखूंगा कि रियल है या फिर फेक है। पहले हम आ जाता हूँ अपने प्ले स्टोर पर, ठीक है, यहाँ पे प्ले स्टोर पर आ जाता हूँ। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अबाउट दिस ऐप, आपको इस पर आ जाना होगा, ठीक है। आने के बाद फ्रेंड्स आप लोग जैसे कि देख सकते हो वहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड कराता है। आप लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 20,000 से लेकर 80,000 का लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देश की बात करें तो यहाँ पे 120 दिन के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। APR टैक्स 18% लगेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, एक होती है RBI और एक होती है NBFC। इसके यहाँ पे दोनों ही बॉडी गवर्नमेंट बॉडी होती है, लेकिन उनको यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिला हुआ था। देख सकते हो यहाँ पे कोई यहाँ पे नहीं लिखा है, ऑथराइज नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट होते हैं उनकी हाई इंटरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब ये रीपेमेंट करेंगे तो हाई इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, हाई इंटरेस्ट नहीं होंगे। और आपको सिर्फ 7 दिन का ही लोन देंगे, ज़्यादा दिन का आप यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बोल देते, लेकिन लोन नहीं देंगे इतना, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो 5,000 से लेकर 60,000 तक का लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है, 91 डेज लेके 365 दिन तक का, ठीक है। APR टैक्स 18% है, लेकिन यहाँ पे बता दे कुछ और है और करते कुछ और है, ठीक है। तो ये नई एप्लीकेशन, इसको भरोसेमंद एप्लीकेशन नहीं है और यहाँ पे कोई इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, ना ही इनकी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी है, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी, तो आप लोग देख सकते हो 7 फरवरी 2023 की एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी। तो एप्लीकेशन नई एप्लीकेशन अच्छे से वर्क, तो फिलहाल कस्टमर के साथ गलत बिहेव तो अभी नहीं कह सकता हूँ, कभी कभी किसी के साथ कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे डाटा सेफ्टी पे क्लिक करता हूँ और डाटा सेफ्टी पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल करेंगे, हाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, कोई कंपनी रियल कंपनी होती है वो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लेती है, ठीक है। अगर आप लोग इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो परमिशन में आपका क्या जाएगा, देख सकते हो, लोकेशन भी चली जाएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन, मैसेज, फोटोज एंड वीडियो। ये फोटोज एंड वीडियो तो नहीं जाते फिलहाल, कभी कभी चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि ना डाटा बहुत हाईली डाटा होता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा AMB यूज़ होती है, इसलिए ये नहीं लेती है, ना ही इनका ऑडियो जाता है। सबसे ज़्यादा ज़्यादा डॉक्यूमेंट तो चले ही जाते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी चले जाते हैं और जो ऐप की एक्टिविटी है वो भी चली जाती हैं, सिर्फ सारा का सारा यहाँ पे डाटा चला जाएगा, ठीक है। जो ये रियल एप्लीकेशन वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लेगी, आप लोग ध्यान से देखना है, ठीक है। अरे ये कंपनी है, यानी कि ये एप्लीकेशन है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर लेगी, अगर आप रीपेमेंट टाइम से नहीं करोगे तो आपको जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर है उनके गंदी गंदी सेल्फी फ़ोटो डाल के
आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना होगा। और इसे अभी टेस्टेड एप्लीकेशन नहीं, अगर आपको अपने रिस्क पे लेना चाहते हो तो आप लोग अपने रिस्क पे इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, सी आल रूपे पे क्लिक करेंगे। और सी आल रूपे पे क्लिक करने के बाद वन रेटिंग सेलेक्ट करेंगे। वन रेटिंग सेलेक्ट करने के बाद आप लोग जैसे कि मुझे कमेंट को रीड करना, कमेंट से क्या होता है क्योंकि हुकिंग हो जाती है कि ये लोन देती है नहीं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर देख सकते हैं हमें लोन नहीं मिला है। आप लोग जैसे देख सकते हैं हमें लोन नहीं मिला, सब लोग ये बोल रहे मुझे लोन नहीं मिली, एप्लीकेशन फ्रॉड एप्लीकेशन है, थोड़ा सा कस्टमर के साथ गलत बिहेव करती है नई एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे ओपन करके आप लोग यहाँ पे अगर लोन लेना तो आपको अपना सेल्फी वाला फोटो अपलोड कर सकते हो। स्टार्ट डायरेक्शन पे क्लिक करना होगा और अपना सेल्फी वाला फोटो को ऐड करना होगा। फिलहाल मैं अपना सेल्फी वाला फोटो को यहाँ से ऐड नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे करना चाहते तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फोटो नहीं ऐड करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिक्सी एप्लीकेशन है, मालूम है रिक्सी है, तो मेरे साथ गलत बिहेव हो जाएगा, मैं अपना गलत डिसीजन में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग जाना चाह रहे हो और आप लोग अपने फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं डिलीट कर दें, उसके बाद ही आप लोग लोन लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 से 8 दिन का ही लोन प्रोवाइड कराती, ज़्यादा से नहीं कराती। अगर 5 दिन से ही पहले रीपेमेंट करने ही बोलेगा, रीपेमेंट करो, नहीं करोगे तो आपका जो सेल्फी वाला फोटो है उसके साथ गलत बिहेव करके आपके रिश्तेदार, आपके जो फ्रेंड है उनके साथ गलत फोटो डालेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, और आपको ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपको रीपेमेंट करो। और इतना भारी भरकम रीपेमेंट मांगेंगे जितना आपने लिया भी नहीं होगा। ठीक है, आपने सपोज मानो 10,000 लिया, लोग वो मांगे कि आप 18,000 रीपेमेंट करो, 20,000 रीपेमेंट करो, क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं कि 0.05 का पर डे का इंटरेस्ट लग जाएंगे, पर डे का आपको 1500 आपको हर पर डे के चार्ज देने पड़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैकमेल किया जाएगा। प्लीज़ आप लोग नई एप्लीकेशन इससे साथ अभी छेड़छाड़ मत करना है, अगर करना भी है तो अपने रिस्क पे करना है। ठीक है, तो फ्रेंड बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।